एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, सब जगह आ गए, कहीं भी नहीं लग रही वैक्सीन। मैं सुबह से उसके पीछे पड़ी हुई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज महक। सो आज है वैक्सीनेशन डे। लाइक मैं सो रही थी, मेरे भाई ने मुझे बोला कि चल एक बार रजिस्टर करवा के आते हैं, अगर नंबर आएगा तो आ जाएगा आज, वरना 2-3 दिन बाद आएगा। सो होपफुली शायद आज लग भी जाए, शायद 2-3 दिन बाद का नंबर आए, तो अभी तो वहां चलता है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बहुत तेज सर दुख रहा है, बिकॉज सुबह उठ के ना कॉफी पीना, चाय पियो, बस सीधे ऐसे एकदम आधी नींद में से उठाता है तो वैसे भी बहुत तेज हेडेक होता है मेरे। अभी तो चलते हैं वैक्सीनेशन का, देखने क्या सीन है, हो पाता है या नहीं हो पाता। उसके बाद अगर कुछ हो पाएगा, बाजार वगैरह खुलने तो लग गए हैं, मैं कुछ खाने पीने का सोच रही हूँ बाजार से ले आऊँ, बिकॉज घर आती बनाने जितनी मेरे में हिम्मत नहीं रहेगी, ब्रेकफास्ट, और मम्मी भी काम वगैरह में लगी हुई है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सो या लेट्स गो। और मैंने बहुत कुछ प्लान किया था आज के लिए, मेरा काम, बट पता नहीं क्यों अनप्लान्ड चीज़ें होती है बहुत ही ज़्यादा। वेल जो भी है, लेट्स गो, मुझे पानी पीना है, बॉटल ही नहीं है, चलो बाहर चलके पीते हैं। दूसरी, दूसरी से तीसरी, सब जगह आ गए, कहीं भी नहीं लग रही वैक्सीन। 45 प्लस वालों के लग रही है। सुबह सुबह धूप में बिना कुछ खाए पीने के इसको, चलो घर चलते। सो गाइस, आई हैड ऑल माय लंच एंड ऑल रेडी हो गई थी नहा धो के बिल्कुल। सो अब मुझे करना है मेकअप, बट बिफोर दैट मैं आप लोग के साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ ला ऑर्गेनो के प्रोडक्ट। सबसे अच्छी चीज तो ये कि इनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सल्फेट, पैराबेंस, मिनरल ऑयल्स वगैरह बिल्कुल फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, सबसे पहली चीज है। सेकेंड चीज, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करे गए हैं, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे है फेस बॉडी स्क्रब एंड इनकी क्रीम, लाइक फेस क्रीम। सो मैं इनकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे है मेरे पास, ये है स्क्रब, ठीक है, एंड दिस इज द क्रीम। पैकेजिंग क्रीम की काफी मुझे अच्छी लगी, लाइक ऊपर वाला जो कैप है। इनकी जो फ्रेग्रेंस है ना, बिल्कुल माइल्ड है, क्योंकि फेस वॉश तो सी गाइस वैसे भी कोई सा भी यूज कर लेता है, क्लेंजिंग हो जाती है, बट स्क्रब इज द थिंग जो आपके ना डर्ट को बहुत ढंग से रिमूव करता है स्किन में से। सो इनका स्क्रब की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है, हल्की सी सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप, लाइक कंप्लीटली लिक्विड नहीं है। सो मैं इसको लूंगी एंड हल्का हल्का से मसाज करना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि ये सेमी लिक्विड है तो मुझे इसमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। एंड आई कीप ऑन मसाज इट ऑन माय फेस विद माइल्ड फिंगर्स। लाइक बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना होता जब आप स्क्रब करते हो तो, बिकॉज स्क्रब बहुत माइल्ड, फेस से माइल्ड फिंगर्स से होना चाहिए स्क्रब। इसमें दोनों में ही एक्वा ग्लिसरीन एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा माइल्ड है और ऐसी चीज हमारी स्किन में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड भी होती है। सो आई वॉश माई फेस एंड यू कैन सी द डिफरेंस। सो नाउ आई एम अप्लाइंग दिस क्रीम अगेन, इन्हीं की है ला ऑर्गेनो की। ला ऑर्गेनो ना फेस स्किन केयर एंड हेयर केयर सब प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो आपको उनकी वेबसाइट की जो लिंक है वो मिल जाएगी
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना इफ इन केस यू विश। नाउ मैं ढंग से इसको मसाज कर लूंगी, इट इज सो माइल्ड, ट्रस्ट मी। इसकी जो यू नो बिल्कुल मक्खन जैसी ये स्प्रेड हो जाती है, कैन यू सी जस्ट टच करने में इट्स ग्लाइडिंग एंड वाओ। आई मसाज इट प्रॉपरली, काफी अच्छा है, बिल्कुल भी यू नो इरिटेशन भी नहीं होती। मैं इसको अंडर आई एरिया पे भी बहुत ढंग से मसाज कर लेती हूँ। सो इन प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज करने से मैंने नोटिस किया कि मेरी टैनिंग रिमूव हुई है और देखा मेरी स्किन ग्लोइंग बनती जा रही है। सो आई विल हाईली रिकमेंड, और ये ऑल स्किन टाइप्स को सूटेबल है। सबसे अच्छी चीज ये कॉम्बो है स्क्रब और क्रीम का, और उनकी वेबसाइट पर काफी सारे ऐसे कॉम्बोज हैं जो आप पिक कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। मेरे को ना इनके प्रोडक्ट्स काफी पसंद आए थे ये दोनों, इसलिए मैंने एक ग्लूटोथाइन सोप भी मंगवा लिया था। एंड ये दोनों स्क्रब एंड क्रीम कॉम्बो इज ग्लूटोथाइन स्पेशल। तो ग्लूटोथाइन क्या होता है आप इस तरह जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये आपकी स्किन को अंदर से यू नो ग्लोइंग बनाता है, टैनिंग रिमूव करता है काफी अच्छे तरीके से, और बहुत ज्यादा रिच होता है इंग्रेडिएंट्स में। आप देख सकते हो कितना अच्छा नरिशमेंट है इस क्रीम में। ओह माय गॉड, आई जस्ट लव दिस। सो मैंने इनका सोप भी परचेज किया था, एंड सो ऐसा कुछ दिखता है। पैकेजिंग इनकी मुझे काफी अच्छी लगी। जो सोप है वो ग्लूटोथाइन बेस्ड है, सो आपकी स्किन को अंदर से ब्राइटन अप करेगा। इसके अंदर पी एक्सट्रैक्ट्स हैं, कोकोनट ऑयल है, मशरूम है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। 100 ग्राम इसका वेट है और बहुत सॉफ्ट, और स्मेल भी बहुत प्यारी है। सो गाइज टू चेक दिस आउट वंस एज वेल। ये वैसे भी बहुत ज्यादा लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। मैं सबकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और स्पेशल कोड भी आपको वहां मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो। एंड या गाइज यही मेरा स्किन केयर है जो मैं इन दिनों फॉलो कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट बाय गेटिंग आवर मेकअप आउट। सो ये रही मेरी बास्केट, एंड मैं यही मेकअप करने वाली हूँ इसी रूम में। थोड़ी सी टेबल पे सामान है, बहुत सारा है, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं एंड देन मैं मेकअप शूट करती हूँ। बिल्कुल मिनिमल करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इंस्टा रील्स मुझे शूट करने का मन हो रहा है, मैं वो करूंगी एंड शायद यूट्यूब शॉर्ट्स भी कर लूँ। सो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। मेकअप मेरा हो चुका है, सो आई जस्ट नीड टू चेंज माई हेयर स्टाइल नाउ। वेट, लेट मी शो यू, दिस इज हाउ इट टर्न आउट। थोड़ा सा लाइटिंग कम है इसलिए आपको इतना क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। सो अभी तो मैं खाऊंगी गोल गप्पे, बिकॉज वो मंगवाए हैं मैंने मेरे भाई से। मैं सुबह से उसके पीछे पड़ी हुई थी, ला के दे आज खिला, आज तू खिला, आज तू खिला। सो वो ले आया है तो बना के खाएंगे। मैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना लूँ, मेरे को दो तीन जो वीडियो शूट करनी है अलग, वो मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो शाम हो चुकी है, मुझे काफी टाइम लग गया, एंड दिस इज व्हाट माय मेकअप लुक्स इन गुड लाइटिंग। इट टर्न आउट रियली गुड। थोड़ा सा चिल करते हैं, फिर चल के पार्टी करेंगे गोल गप्पे की। सो रात हो चुकी है, आई हैड माय डिनर एंड दिस इज ऑल। शूट कर रही थी मैं अभी एक्चुअली, और अभी ना बहुत अजीब सी चीज हुई, लाइक मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ ही नहीं आता। कभी कभी मुझे बहुत एक्सट्रीम बातें भी हर्ट नहीं करती, और कभी कभी मुझे बहुत छोटी छोटी सी बातें भी बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है। अभी छोटी सी बहस हो गई मेरी, और मेरी लड़ाई हो गई, मैं खूब रो भी लिया, ऐसा नहीं है। लाइक व्हेन वी वर अबाउट टू हैव गोलगप्पा, मैं बस ब्यूटी शॉट ले ही रही थी एंड उसके बाद मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती, बट उतनी देर में बहस हो गई एंड मुझे रोना आ गया। बहुत ज़्यादा रोई हूँ, मेरा पूरा आई मेकअप भी खराब हो गया। मेरे को बहुत सारा प्लान था मेरा वीडियोज वगैरह शूट करने का, बट वो नहीं होगा बिकॉज मेकअप इज नॉट लुकिंग दैट गुड, और मेरी आंखें दुख रही है क्योंकि मैं रो चुकी हूँ। एंड फिर मैंने पताशी खाई भी नहीं थी काफ़ी देर तक, बट इन दी एंड मैं नहीं खा रही थी, तो फिर पापा खाना नहीं खा रहे थे, इस वजह से मुझे फिर खानी पड़ी। सो लड़ाई भाई से हुई थी बाय द वे, मम्मी पापा का कोई रोल नहीं था। हो जाती है ऐसी छोटी मोटी लड़ाई, और अब मेरा बिल्कुल बिल्कुल मूड अच्छा नहीं है। सो मैं बस अब थोड़ा जो भी सामान फैल रहा है इसको जमा दूंगी और मेकअप रिमूव कर लूँगी, एंड उसमें ऐसा शेयर करना जैसा कुछ नहीं है। मेकअप रिमूविंग टॉवल से मैं रिमूव करने वाली हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद मैं बस अब सोऊंगी ही, बिकॉज आई नीड टू स्लीप, जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। और मैं कल मॉर्निंग में जल्दी उठने वाली हूँ, सो दैट मैं
वॉक अच्छी तरह कर पाऊँ। अभी अगर मौसम अच्छा होगा तो थोड़ी देर कर लूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगी, वरना मैं फिर रोने लग जाऊंगी, क्योंकि होता है ऐसा मूड खराब होने के बाद रोना जल्दी बहुत जल्दी आता है। सो इट्स बेटर कि आप सो जाओ, जो यू नो आधा माइंड वहीं सही हो जाए। सो आई डोंट नो मैं कल इस व्लॉग को कंटिन्यू करूंगी या नहीं करूंगी। अगर नहीं करूंगी तो ये व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा तो क्या लगा होगा, ऐसा कुछ था ही नहीं आज के व्लॉग में, बट जो भी है आज का व्लॉग मेरा यही था, आज का दिन मेरा यही था। एंड नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। एंड मैं सोच रही हूँ अब थोड़े दिन व्लॉग नहीं करूँ, आई विल गिव माई सेल्फ सम ब्रेक एंड मैं हॉल्स वगैरह शूट करूंगी। सो आपको हॉल्स देखने मिलेंगे, आप वो एंजॉय करना। और जैसे ही मुझे लगेगा हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे व्लॉग करना चाहिए, आई विल डू दैट। सो गाइज लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना अगर पसंद आई हो वीडियोज तो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।